नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डेटा टूल्स के बारे में। डेटा टूल में सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा टेक्स्ट टू कॉलम का। टेक्स्ट टू कॉलम क्या काम करता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पर कुछ नाम है, नमन कुमार यादव। इसी तरीके से अमन के बाद कॉमा है, उसके बाद स्पेस है, उसके बाद कमल है, फिर से कॉमा है, स्पेस है, दीपक है, फिर से कॉमा है, स्पेस है और आदित्य है। तो इसको हम चाहते क्या है कि जैसे नमन कुमार यादव है तो ये अलग अलग सेल के अंदर डिवाइड हो जाए। इसी तरीके से अमन हमारा अलग सेल में आ जाए, कमल अलग सेल में आ जाए, दीपक अलग सेल में आ जाए। अगर आपके पास कुछ इस तरीके का डेटा है जिसमें आपके जो नाम है वो मिक्सअप लिखे हुए हैं और उसको आप अलग अलग सेल के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं तो टेक्स्ट टू कॉलम की मदद से आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे करके दिखाता हूं। इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, इस सेल पर क्लिक करना है। इस सेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक करना है। टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे फिक्स्ड विड्थ और डिलिमिटेड का एक ऑप्शन आपके सामने नजर आएगा। तो इसमें से सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे डिलिमिटेड को। डिलिमिटेड को सिलेक्ट करने के बाद यहां से आप इसे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे यहां पर आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं जिसमें से आप जो भी चीज को रिमूव करना चाहते हैं उसको यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहां से अदर्स को हटा देते हैं और स्पेस को हम लोग यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर नेक्स्ट करना होगा। आप देखेंगे आपका जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद डेस्टिनेशन के अंदर आपको क्या करना है, उस जगह की रेंज देनी है जहां पर आप डेटा को लेना चाहते हैं। तो यहां पर हम बी कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहां पर हम सिंपली फिनिश कर देते हैं। जैसे हमने फिनिश किया आप देखेंगे हमारा जो डेटा था वो अलग अलग सेल के अंदर डिवाइड हो गया। सेम इसी तरीके से आप अमन कमल दीपक और आदित्य को और इसके कॉमा को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं मैं वो तरीका आपको बताता हूं। उसके लिए भी आपको सिंपल सेल को सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक करना है, यहां से वापस से आना है डिलिमिटेड के अंदर और यहां पर नेक्स्ट को क्लिक करना है। नेक्स्ट पर आने के बाद आप देखेंगे हमें रिमूव क्या करना है, तो स्पेस को रिमूव करना है और दूसरा हमें रिमूव करना है कॉमा को। तो हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कॉमा को यहां पर सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आप देखेंगे यहां पर आपके सामने कॉमा भी रिप्रेजेंट होगा, यानी आपके नाम के साथ कॉमा भी शो होगा। तो यहां पर आप कॉमा को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि कॉमा आपका ना आए। और इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको डेस्टिनेशन देना है और डेस्टिनेशन हमने दे दिया यहां पर इस सेल का और उसके बाद हमने सिंपल कर दिया फिनिश। फिनिश करते ही आप देखेंगे आपका डेटा यहां पर डिवाइड हो गया। सेम इसी तरीके से अब आप देखेंगे हमारे पास दीपक कुमार प्रसाद है जिसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। अब इसको किस तरीके से रिमूव किया जाता है वो भी देख लीजिए। डेटा को हम वापस से सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, यहां से फिक्स्ड को सिलेक्ट करेंगे और यहां से नेक्स्ट करेंगे। यहां से आपको क्या करना है, सिंपल क्लिक करना है। जहां से आपको इसको डिवाइड करना है वहां से यहां पर भी क्लिक कर देना है जहां से आप इसे डिवाइड करना चाहते हैं और सिंपल आपको यहां पर नेक्स्ट करना है। डेस्टिनेशन के अंदर आपको सेल का एड्रेस देना है, तो सेल का एड्रेस हमारा ये है जहां पर हमें डिवाइड होकर के डेटा चाहिए। फिनिश करेंगे, आपका डेटा यहां से डिवाइड हो चुका है। तो यहां देखिए हमने दीपक की जगह पर हमने के को भी कट कर दिया है तो वो के हमारा यहां पर रिप्रेजेंट हो गया। तो इस तरीके से आप डेटा को डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नायरा की, यहां पर आप देखेंगे नायरा @abc.com है, यानी यहां पर किसी वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है और हमें इसे रिमूव करना है। तो इसे हम किस तरीके से करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, सेम टेक्स्ट टू कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहां से आपको जाना है डिलिमिटेड के अंदर और यहां पर करना है सिंपल नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहां पर आपको सिलेक्ट करना है अदर्स और अदर्स में आपको वो सिंबल टाइप कर देना है जो सिंबल आप लेना चाहते हैं। स्पेस यहां पर नहीं है, कॉमा यहां पर नहीं है, तो हम दोनों टिक्स को यहां से हटा देते हैं और यहां पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको डेस्टिनेशन में एड्रेस देना है, किस जगह पर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो हमने यहां पर सिलेक्ट करके डेस्टिनेशन एड्रेस दे दिया और सिंपल फिनिश कर दिया। तो आप देखेंगे ये डेटा हमारा यहां से डिवाइड होकर रिप्रेजेंट हो गया। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट टू कॉलम का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे फ्लैश फिल का एक ऑप्शन है जिसका यूज किस तरीके से किया जाता है, तो इसके लिए हम चले जाते हैं नेक्स्ट शीट पर। नेक्स्ट शीट पर जाने के बाद आप देखेंगे यहां पर हमने कुछ नाम लिखे हुए हैं जिसमें हमने लिखा हुआ है अमन पांडे, दीपक यादव, कमल मिश्रा, संदीप त्रिपाठी और आनंद मिश्रा। तो इन सभी को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे, फर्स्ट नेम को अलग करना है और लास्ट नेम को अलग करना है। तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए सिंपल सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फर्स्ट वाले सेल में आपको बताना होगा कि आप इसे किस तरीके से डिवाइड करना चाहते हैं। तो हमने यहां पर लिख दिया अमन और इसके बाद यहां पर हमने लिख दिया पांडे। सिंपल करना क्या है, सिंपल फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करना है और यहां पर आपको जाना है फ्लैश फिल पर। जैसे फ्लैश फिल पर आप क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली इस डेटा को डिवाइड करके नेक्स्ट सेल पे रिप्रेजेंट करा देगा। इसी तरीके से यहां पर आपको सिलेक्ट करना है और सिंपल फ्लैश फिल पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे यहां पर भी आपका डेटा जो सरनेम था वो यहां पर रिप्रेजेंट हो चुका है। तो इस तरीके से आप फ्लैश फिल का यूज कर सकते हैं। फ्लैश फिल से आप अपने सरनेम को और अपने नाम को अलग अलग कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन बहुत ही काम के ऑप्शन हैं।
इसके बाद आप देखेंगे एक ऑप्शन आपके सामने नजर आएगा रिमूव डुप्लीकेट्स का। डुप्लीकेट्स का मतलब अगर कोई नाम डुप्लीकेट यहां पर लिखा होगा तो उसे आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं यादव, और यादव को मैं क्या करना चाहता हूं, एक यादव मैं डिलीट करना चाहता हूं, एक यादव को रिमूव करना चाहता हूं, डुप्लीकेट वैल्यू मैं यहां पर नहीं चाहता, तो डेटा को यहां पर सिलेक्ट करूंगा और यहां पर सिलेक्ट करूंगा रिमूव डुप्लीकेट पर। रिमूव डुप्लीकेट को सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एक्सपेंड द सिलेक्शन, कि आप अपने सिलेक्शन को एक्सपेंड करना चाहते हैं, और दूसरा ऑप्शन आपके सामने नजर आएगा कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, यानी जो सिलेक्शन हमने लिया हुआ है आप उसी पर कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो यहां पर सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर रिमूव डुप्लीकेट को सिलेक्ट करेंगे। और यहां पर ये आपके सामने दिखा रहा है लास्ट कॉलम में यानी लास्ट नेम में आपका डेटा है जो डुप्लीकेट है, तो उसे हम क्या करेंगे रिमूव करेंगे, और जैसे ही ओके प्रेस करेंगे आप देखेंगे एक यादव यहां से रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को रिमूव कर सकते हैं, यानी डुप्लीकेट डेटा चाहे वो नंबर हो चाहे वो अल्फाबेट्स हो, आप उसे इजी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहां से डेटा वैलिडेशन की। तो डेटा वैलिडेशन बहुत ही काम का फंक्शन है। डेटा वैलिडेशन का यूज किस तरीके से किया जाता है वो मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए हमने एक एरिया यहां पर सिलेक्ट किया और डेटा वैलिडेशन पर क्लिक किया। डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद यहां से हमें सिलेक्ट करना है वर्ल्ड नंबर, लिस्ट के बारे में, डेट टाइम के बारे में मैं पहले बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएंगी, वहां से आप इसे देख सकते हैं। तो यहां से हमें करना क्या है, सिंपल वर्ल्ड नंबर को सिलेक्ट करना है, और यहां पर आप देखेंगे आपके सामने बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की कंडीशंस आपके सामने शो होंगी, जैसे बिटवीन है, नॉट बिटवीन है, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, बहुत सारी कंडीशंस है। तो यहां पर हम ले लेते हैं बिटवीन को, कि बिटवीन में हमने यहां पर मिनिमम वैल्यू डाल दी, लाइक हमने दे दिया 30, और मैक्सिमम वैल्यू हमने दे दिया लाइक 100, और इसके बाद हमने यहां पर इनपुट मैसेज में क्या टाइप किया, लाइक टाइटल में हम दे देते हैं नॉट बी यूज, और उसके बाद यहां नीचे इनपुट मैसेज में हम दे देते हैं ओनली 30 to 100। उसके बाद यहां एरर्स के अंदर आप कोई एरर भी लगा सकते हैं, जैसे स्टॉप का, वार्निंग का, या फिर इंफॉर्मेशन का। तो यहां पर हम ले लेते हैं स्टॉप, और यहां टाइटल में दे देते हैं स्टॉप, और यहां पर अगर आप जो भी मैसेज लिखना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने तो भी मैसेज यहां पर टाइप कर दिया, वो मैसेज मैं शो कराना चाहता हूं कि अगर कोई इसमें इंफॉर्मेशन गलत डाले तो उसको ये मैसेज शो हो। इसके बाद हम यहां पर सिंपल प्रेस करेंगे ओके। ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे ये मैसेज हमारा सिंपल इस सेल में शो हो रहा है, यानी नॉट बी यूज्ड, यानी इसके अंदर आप 30 वैल्यू डालेंगे तो एक्सेप्ट करेगा, 100 डालेंगे तो एक्सेप्ट करेगा, 101 डालते ही आपको एरर दे देगा जो हमने यहां पर वार्निंग लगाई थी। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर इसमें अब आप देखेंगे एक और ऑप्शन है हमारे सामने, इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर एक सर्कल का ऑप्शन है, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा पूरा का पूरा डेटा जो पहले से ही टाइप था वो यहां पर शो अप हो गया, यानी सर्कल में शो हो गया, यानी ये डेटा हमारा पहले से इसमें टाइप था, और उसके बाद जो हमारी कंडीशन हमने लगाई है उसके बाद ये कंडीशन वर्क कर रही है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि ये डेटा हमारा पहले से ही टाइप था, इसके बाद अगर आप कोई वैल्यू टाइप करने की कोशिश करेंगे तो वैल्यू इसके अंदर टाइप नहीं होगी। तो इसके बाद आप अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो यहां पर सिंपल क्लिक करके इस सर्कल को यहां से इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव सर्कल पर क्लियर वैलिडेशन सर्कल पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपका जो क्लियर वैलिडेशन सर्कल था वो यहां से रिमूव हो जाएगा। अगर आप इसकी पूरी कंडीशन को यहां से रिमूव करना चाहते हैं तो डेटा को पूरा सिलेक्ट करिए जहां तक आपने कंडीशन लगाई थी, और उसके बाद डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करिए, यस करिए, और यहां पर क्लियर ऑल का एक ऑप्शन आएगा, इसको सिलेक्ट करके आप यहां पर जैसे ओके प्रेस करेंगे तो हमारी वो कंडीशन यहां पर क्लियर हो चुकी है। अब यहां पर जो भी वैल्यू आप टाइप करेंगे वो यहां पर एक्सेप्टेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंसोलिडेट की। कंसोलिडेट बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है MS Excel का। इसका यूज किस तरीके से किया जाता है, यह हमारी बहुत सारे काम को इजी कर देता है। जैसे कि मान लीजिए हम इस तीनों वैल्यूज का प्लस करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, यानी बहुत सारी कंडीशंस को हम इसके अंदर यूज करना चाहते हैं और बार बार हम रेंज को लेना नहीं चाहते, तो इसके लिए हम कंसोलिडेट का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंसोलिडेट पर क्लिक करना होगा, यहां से आपको फॉर्मुला सिलेक्ट करना होगा जिस फॉर्मुला को आप यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहां पर रेफरेंस देना होगा। रेफरेंस में हमने इसको सिलेक्ट किया और यहां से ऐड करा दिया, ऐसे सेकंड वैल्यू को लिया इसको भी हमने ऐड करा दिया, ऐसे थर्ड वैल्यू को लेकर इसको भी ऐड करा दिया, और सिंपल यहां पर हम प्रेस करेंगे ओके। ओके प्रेस करते ही आप देखेंगे इन सभी का टोटल यहां पर आपके सामने रिप्रेजेंट हो गया। इसी तरीके से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कंसोलिडेट पर क्लिक करिए और यहां पर आप सिलेक्ट कर लीजिए प्रोडक्ट का फॉर्मूला, और जैसे आप इसे ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो डेटा था वो यहां पर मल्टीप्लाई होकर के रिप्रेजेंट हो गया। इसी तरीके से अगर कोई और फॉर्मूला आप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला को चेंज करना होगा। जैसे मैं ले लेता हूं मैक्सिमम, और यहां पर जैसे मैं ओके प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू यहां पर
रिप्रेजेंट हो चुकी है। दूसरा फायदा इसका यह होता है कि जो भी डेटा हमारा शो होता है उसका फॉर्मूला यहां पर शो नहीं होता, यानी कि उसका फॉर्मूला यहां पर रिप्रेजेंट नहीं होता, वो सिंपल एक वैल्यू में हमारे सामने रिप्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से आप कंसोलिडेट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहां से रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप का किस तरीके से यूज किया जाता है। तो उसके लिए आपको जाना है रिलेशनशिप वाले टैब पर। यहां पर हमने पहले से ही कुछ टेबल्स बनाई हुई हैं और इस टेबल को हमें करना क्या है, सिंपल सिलेक्ट करके टेबल में कन्वर्ट कर देना है। तो यहां पर आपको प्रेस करना होगा अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद यहां पर आपको माई टेबल हेडर एज हेडर पर सिलेक्ट करना होगा और ओके करना होगा। तो आपका जो डेटा था वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरे डेटा को भी आपको सिलेक्ट करना है और उसको भी टेबल में कन्वर्ट कर देना है कंट्रोल टी की मदद से। अब दोनों ही डेटा हमारा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें करना क्या है, सिंपल जाना है इंसर्ट टैब के अंदर और यहां पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा पाइवोट टेबल का। पाइवोट टेबल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने, और उसके बाद आपको जाना है डेटा टैब के अंदर। डेटा टैब के अंदर जाने के बाद यहां से आपको सिलेक्ट करना होगा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आप देखेंगे आपके सामने एक न्यू का ऑप्शन आएगा, इसको आपको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि दोनों ही टेबल में कोई एक चीज कॉमन होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहां पर अमन कमल दीपक आदित्य पंकज है, तो यहां पर भी अमन कमल दीपक आदित्य पंकज है, तो दोनों ही चीज कॉमन है, किसी एक चीज को कॉमन आप रख सकते हैं इसके अंदर। तो यहां पर हम रखेंगे फर्स्ट नेम को और यहां पर आपको सिलेक्ट करना है अपनी टेबल। तो टेबल हम वन को सिलेक्ट करेंगे यहां पर और इसमें कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कौन सा कॉलम हमारा कॉमन है। तो हमने लेते हैं नेम्स को कि नेम दोनों में कॉमन है। उसके बाद यहां पर सिलेक्ट करेंगे टेबल नंबर टू को और यहां पर भी हम सिलेक्ट करेंगे नेम्स को ताकि नेम इसमें भी कॉमन है। तो यहां पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं नेम्स को, सिंपल हमें ओके पर प्रेस करना है। ओके करते ही आप देखेंगे हमारा यहां पर जो टेबल था वो एक्टिव हो चुका है और उसके बाद हम सिंपल इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब आपको जाना है इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर जाने के बाद यहां से आपको सिलेक्ट करना होगा पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल यहां पर प्रेस करना है ओके। ओके प्रेस करते ही आप देखेंगे यहां पर आपके सामने पाइवोट टेबल शो हो गई और यहां पर आप देखेंगे टेबल वन और टेबल टू दोनों ही आपके सामने रिप्रेजेंट हो चुके हैं। तो टेबल वन का आप क्या डेटा यहां पर देखना चाहते हैं, तो मान लीजिए हमने ले लिया नेम्स को कि टेबल वन के अंदर से हम नेम्स को देखना चाहते हैं और इसके बाद टेबल टू के अंदर हम क्या देखना चाहते हैं, तो टेबल टू के अंदर हम देखना चाहते हैं मान लीजिए रिजल्ट को। तो रिजल्ट में जैसे हम क्लिक करेंगे तो टेबल टू का जो रिजल्ट था वो टेबल वन से मैच होकर के आपके सामने यहां पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। यहां से आप टेबल फर्स्ट का प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं तो वो आप यहां पर इजिली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका यूज किया जाता है दो टेबल्स को आपस में मर्ज करके उसकी पाइवोट टेबल बनाने के लिए। तो दो टेबल्स को आप मर्ज करके पाइवोट टेबल बना सकते हैं और उसके बाद अगर आप चाहें तो रिजल्ट को आप डिवाइड कर सकते हैं, वैल्यूज के अंदर भेज सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे आपका डेटा पाइवोट टेबल में यहां पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, यानी दो डेटा को आप अपने एक ही टेबल में देख सकते हैं। यही यूज है हमारे रिलेशनशिप ऑप्शन का। तो दोस्तों ये था हमारा डेटा टूल्स का ऑप्शन। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।